लस्सी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीठे पके हुए आम, छिलका निकाल के काट लिया है मैंने इसे। दही मैंने लिया है 250 ग्राम, 2 आम के लिए 250 ग्राम दही मैंने यूज़ किया है। चीनी हम लेंगे 50 ग्राम, यहाँ पे मैंने मोटी वाली चीनी यूज़ की है। इलायची का पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, यहाँ पे मैंने आधा बाउल आइस क्यूब्स लिया है। थोड़े से काजू और पिस्ता को मैंने काट के रखा है गार्निश के लिए। तो सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार ले और इसमें ये कटे हुए आम डाल दें, फिर हम इसमें ये दही डाल देंगे, आइस क्यूब्स डाल दें, इसके बाद इलायची का पाउडर डाल दें, फिर हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। अब बस इस जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर दही ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया है। और इसे अच्छी तरह ग्राइंड होने दें। और यहाँ पे ये हमारा लस्सी तैयार हो गया है, बस इसमें कुछ भी और नहीं करना है। ये देखिए इसकी स्मूथनेस। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए एक ग्लास लें और इसमें ये थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दें पहले नीचे, फिर हम इसमें ये लस्सी डाल देंगे और लास्ट में इसके ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। और ये हमारा मैंगो लस्सी तैयार हो गया है। बहुत इजी है बनाना, आप इस गर्मी में इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।